अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम भारत के जंगल भीतर बसे वनवासी मन के सर्वांगीण विकास बर काम करत हे। दुरिहा वन म रहिया वनवासी मन बर सामाजिक और आर्थिक विकास बर समिति बहुत कन कार्यक्रम चलावत हे। देखो हमर रिपोर्ट। मकर संक्रांति जेन ह दान के पर्व के रूप में मनाया जाते, यह समाज कति हमर दायित्व बोध के उत्सव है। मकर संक्रांति उत्सव के पर्व में वनवासी विकास समिति के द्वारा समाज ले अन्न संग्रह के कार्यक्रम बिलासपुर में करे गए। हर बछर समिति के द्वारा संक्रांति के दिन अन्न और दान संग्रह के काम करे जाते, जेमा मिले अन्न ले आश्रम के काम ला आगू बढ़ाए जाते। अन्न संग्रह बर बिलासपुर में जगह जगह शिविर लगा के अन्न संग्रह करे जाते, जेमा लोगन मन आगू बढ़ के सहयोग करते। छत्तीसगढ़ में वनवासी कल्याण आश्रम के काम बहुत दिन ले चलत है, कई साल हो गए। 1952 में एकर शुरुआत जशपुर ले हुई। बाला साहब देवरस, बाला साहब देशपांडे नाम के व्यक्ति एकर शुरुआत जशपुर में करीन, और अब ये काम है पूरा देश भर में फैल गए है। देश के कोई राज्य ऐसे नहीं है जहां एकर काम नहीं चले। जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास करे बर और ये काम है चलत है। छत्तीसगढ़ में एकर नाम वनवासी विकास समिति हवे। पिछले 4 साल से हमन ये नया प्रयोग शुरू करे हन। जगह जगह टेंट लगाथन, ए साल 12 जगह टेंट लगे है और अन्न के संग्रह करथन। अपन समाज में संक्रांति के अवसर में दार चाउर खिचड़ी दान करे के महत्व है। वही जौन समाज के जौन विचार है ओला हमन अपना के योजना ला बनाए हन। जगह जगह टेंट लगाथन, 1 किलो चाउर और 1 पाव दार ओला मंगाथन। ओखर बर हमन पहली ले संपर्क करथन, जगह जगह पन्नी बांटथन। असी कल्याण आश्रम के द्वारा एकर आयोजन करे गए है। बहुत अच्छा है कि जौन जरूरतमंद लइका मन आश्रम में पढ़ते उनकर बर अन्न चावल और दाल पूरा समाज ले हर जगह ले प्रयास करके इकट्ठा करके उन लोग भेजे जाते हैं। वनवासी बंधुओं के विकास के लिए, उनके बच्चों के शिक्षा दीक्षा स्वास्थ्य आदि बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो उनके नाम से हम लोग बिलासपुर में 3 वर्ष से ये मकर संक्रांति के पर्व पर अन्नदान संग्रहण का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो पिछले बार पूरे बिलासपुर में 10 जगह स्टॉल लगाए गए थे और इस बार 12 जगह स्टॉल लगाए गए हैं। हम लोग जितना पैम्पलेट बांटे हैं उससे भी हमें रिस्पांस मिला है। साथ साथ कई लोग जो जान नहीं रहे वो स्टॉल तक आते हैं, उस पैम्पलेट को देखते हैं और तत्काल उनके पास अगर नगद राशि है तो उस नगद राशि को भी दान करते हैं और भविष्य में और ज़्यादा दान करने की सोचते हैं। मीन्स हमें जितना सोच रहे थे उससे ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सभी इस भावना की कद्र करते हैं कि ये जो दान है, ये जो संग्रहण है, हम अपने वनवासी छात्रों को या वनवासी आश्रम में पहुंचाते हैं और उनसे उनका समुचित विकास होता है और उनके लिए मदद हो जाती है। और ये दान के पर्व के महत्ता ला आगू बढ़ाते। बिलासपुर ले हमारे डिजिटल रिपोर्टर आम्रपाली की रिपोर्ट।